लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ ट्राइंगल्स। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रूफ करने के लिए, और उसी का जो रिजल्ट निकलता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन वन मार्क में आ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या किया, आपके पास है तीन लाइन्स हैं लाइक दिस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, या हमको ये भी दे सकते हैं कि ये सब राइट एंगल में परपेंडिकुलर है, तभी आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल, परपेंडिकुलर सन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमने यदि इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये आपका ये वाला पॉइंट से लाइन जाएगी, हाँ ये इस पॉइंट से जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। फिर से बना दूँ, चलो यदि हमने ये इसको इधर ज्वाइन किया, इसको इधर ज्वाइन किया, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन चली गई, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ए बी सी डी ई एफ, तो हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ ऑल आर पैरेलल, पैरेलल दे या एंगल 90 दे बात एक ही है। अब आपको बोल रहा है यदि हमारा ये वाली साइड को हम एक्स लें, आई एम टेकिंग दिस एज वाई एंड दिस एज जेड, मैं पहले प्रूफ करके बताती हूँ फिर इसको हम यूज़ करेंगे कैसे। तो हमें क्या प्रूफ, हमें क्या करना है, हमें 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्रूफ करना है। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू प्रूफ। तो बेटा क्या करें, सिंपली हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करें। तो आप एक बार देखें ये वाला ट्राइंगल सी ई डी और ट्राइंगल ए ई बी, ट्राइंगल सी ई डी एंड ट्राइंगल ए ई बी, इन दोनों में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक एंगल कॉमन है, एंगल ई इसका भी पार्ट है छोटे वाले का बड़े का भी, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई है, रीज़न दे आर कॉमन टू ईच अदर। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा यदि लाइंस पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या यदि हमको 90 डिग्री दिए हैं तो हम 90 के कारण लिख देंगे, तो बेसिकली आपका एंगल सी एंड एंगल ए आर इक्वल। आपको यदि पैरेलल दी है तो आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 90 दिया है तो 90, वॉट एवर द रीज़न मे बी, बट द थिंग इज द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय डबल ए। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर है ट्राइंगल ए ई बी के बाय डबल ए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी सी पी एस सी की कंडीशन लगानी है, किसके ऊपर, एक्स और जेड पर। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल की साइड एक्स है, इसकी जेड है, तो एक्स अपॉन जेड इक्वल टू, और हम यदि इसको भी बोल दें स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो ये क्या आएगा ए अपॉन ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, ये आपकी एक कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से देखें दूसरी साइड से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी सेम कंसेप्ट, ये एंगल कॉमन, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल या 90 डिग्री के कारण इक्वल, बाय डबल ए। अब आपका फिर से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल भी डबल ए से सिमिलर हो जाएंगे। फिर आप इसमें सी पी एस टी लगाएंगे तो आपका एक्स अपॉन वाई आएगा और इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन जो आई थी वो एक्स अपॉन जेड की वैल्यू आई थी, ये एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आई, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दें, रिमेंबर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर नहीं कर रहे, हमारे पास एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बी अपॉन ए प्लस बी है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका x अपॉन जेड प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, ये ध्यान रखना a वाली साइड x साइड पे हो, एक्स वाई वाली x साइड पे। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, दोनों के न्यूमरेटर में x है, वी कैन टेक इट कॉमन, तो यदि हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर एक बार लिख दें, न्यूमरेटर फिर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो वो भी क्या हो गया a प्लस बी, एंड नाउ यू नो दैट a प्लस बी अपॉन a प्लस बी
कैंसिल होकर वन हो जाएगा। तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो ये मतलब पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो ये वन आया। और इस एक्स को जो मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू के उधर भेज दें, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना था, वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ये पहले बेटा प्रूफ करने के लिए बहुत आता था, पर ये मेन बात क्या है कि इसमें हमको एक कॉन्क्रीट रिजल्ट मिल रहा है। क्या रिजल्ट मिल रहा है कि यदि हमारी तीनों लाइंस पैरेलल हैं या तीनों लाइन परपेंडिकुलर हैं सेम साइड पर, तो भी पैरेलल हुई, तो इस वाली साइड का रेसिप्रोकल इन दोनों के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ये आप याद रखें, ये रिजल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, ये हमारा रिजल्ट है जो आपको कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि अभी आपको प्रूफ करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसमें हमको गिवन है कि ए बी सिक्स है, ये वाली साइड सिक्स है, सी डी एक्स है, दिस इज एक्स, एंड डी ई वाई, डी ई ये वाली साइड वाई है, और हमें क्या गिवन है ई एफ फोर, ये वाली साइड फोर है, बी डी फाइव, ये 5 सेंटीमीटर है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो देखो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली किस रिलेशन से आ जाएगी कि वन अपॉन ए बी प्लस वन अपॉन ई एफ इक्वल टू वन अपॉन डी सी, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल, सबका रेसिप्रोकल। तो वन अपॉन ए बी क्या हो गया, वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन ई एफ वन बाय फोर इक्वल टू वन अपॉन एक्स। एल सी एम लेंगे, सिक्स और फोर का एल सी एम 12, 6 टू ज़ा 4 थ्री ज़ा, वैल्यू आई 5/12 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज दोनों का रेसिप्रोकल किया, तो एक्स की वैल्यू 12/5 दैट इज 2.4 है ना। तो हमारी एक्स की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, अब हमें वाई कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर फिर से सीपीएसटी की कंडीशन लगाएंगे, हाँ, तो एक्स हमारा आ गया है 2.4। अब हमें यदि वाई कैलकुलेट करना है तो हमें फिर से CPST लगाना पड़ेगा। तब हम देखें ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो x अपॉन 6 मतलब x इज 2.4, 2.4 अपॉन 6 इक्वल टू y अपॉन y प्लस 5 आएगा पूरी साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की पूरी साइड, तो ये y की इतनी और बड़े ट्राइंगल की साइड क्या हुई y प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व करें तो पहले तो हमें क्या दिख रहा है कि ये 6 और 24 तो ये 0.4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.4y प्लस 5 4 20, डेसिमल शिफ्ट करोगे 2 इक्वल टू y, तो ये y इधर ये वाला उधर, तो 2 इक्वल टू y माइनस 0.4y, तो y कॉमन लोगे तो 1 माइनस 0.4, या हम डायरेक्टली माइनस कर लेते, 1 में से 0.4 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 0.6, तो 0.6y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2 अपॉन 0.6, डेसिमल हटा के ऊपर 3 10, वैल्यू क्या आ गई 10/3, तो y की वैल्यू आ गई 10/3, x की वैल्यू थी 12/5 है ना। तो इस पर आपको जनरली मतलब ये तो इन्होंने थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा दे दिया, अदरवाइज डायरेक्टली वन मार्क में आपको इन तीन साइड में से कोई भी दो दे करके एक पूछेंगे। तो यू शुड रिमेंबर दैट ये जो सेंटर वाली साइड है इसका रेसिप्रोकल इक्वल टू इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। इफ आई नेम इट एज एक्स वाई एंड जेड, तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड, ये रिलेशन इसमें होल्ड होता है ना। कैसे होता है वो आपने सीख लिया, तो ये रिलेशन जरूर याद रखना बेटा, वन मार्क में कभी क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी एबल टू डू दिस। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका भी प्रूफ पहले बहुत आता था, हाँ, तो ये 3-4 नंबर में आते थे, पर इसमें एक रिज़ल्ट जो निकलता है वो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट है जिसको हम आइडेंटिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, तो इसलिए आपको इनको याद रखना पड़ेगा। इसमें भी क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ओ बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट डी ई, ये साइड आपकी डी ई है, ओ बी ये ओ ये बी, दिस इज टी दिस इज ई, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एंगल क्या हुआ 90, और ये दोनों आपस में क्या हो गए बी डी एंड बी ई इक्वल। फिर हमें क्या बोला है, एफ ए परपेंडिकुलर है ओ बी पर, ये भी परपेंडिकुलर है, एफ ए
परपेंडिकुलर ऑन OB एंड FE इंटरसेक्ट्स OB, FE ने इंटरसेक्ट किया OB को पॉइंट C पर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB इक्वल टू 2 अपॉन OC। OA, OB, OC तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हैं, ये आपका OA है, ये आपका OB है और ये आपका OC है। 1 अपॉन OA, OA ब्लू प्लस 1 अपॉन OB पर्पल इक्वल टू 2 टाइम्स 2 अपॉन OC। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन देकर के OA, OB, OC में से किसी भी दो चीज़ की वैल्यू देकर तीसरा पूछ लिया। तो यू शुड मस्ट रिमेम्बर दिस रिलेशनशिप कि ये रिलेशन आएगा OA और OB और OC बीच वाला मिड पॉइंट वाला 2 अपॉन OC आएगा। हाँ, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना होता है या आपको समझना हो कि आया कैसे। तो हम सिंपली इसमें ये ट्राइंगल ओ एफ ए, ट्राइंगल ओ एफ ए एंड ट्राइंगल ओ एफ ए एंड ओ डी बी में क्या हो गया, ये वाला एंगल कॉमन और इसमें ए 90 उसमें बी 90, तो डबल ऐसे ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। आपका एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, रीज़न है कॉमन। दूसरा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90, तो बाय डबल ए ट्राइंगल ओ एफ ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ डी बी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सी पी एस टी की कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ए एफ अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन बी डी। ये कंडीशन सी पी एस टी से आ गई, दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन। ओ ए ओ बी में हमको एक रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बचा हुआ, अब हमें ओ सी भी चाहिए। तो ओ सी किधर का पार्ट है, इस ट्राइंगल का। हाँ, तो ओ सी हमारा इस ट्राइंगल का पार्ट है, ए सी एफ का, मतलब ए सी एफ ट्राइंगल ले लें तो हमारा, और ये वाला ले लें, ये दोनों ट्राइंगल्स को भी हम सिमिलर कर सकते हैं कि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल 90 डिग्री। तब हम किसको सिमिलर करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी एफ एंड ट्राइंगल ए सी एफ एंड बी सी ई, बी सी ई इसमें क्या हो गया, एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, रीज़न हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, बी ओ ए से दोनों इक्वल हो गए। और इसमें एंगल ए 90 है, उसमें एंगल बी 90 है, तो कंडीशन फिर से वही लगी कि बाय डबल ए ट्राइंगल ए सी एफ सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी सी ई के। अब हम इसमें सी पी एस टी लगाएं तो आपको क्या दिख रहा है, ए एफ अपॉन बी ई आएगा। तो ए एफ अपॉन बी ई किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन बी सी, दिस कैन बी रिटन एज ए सी अपॉन बी सी। ए सी बी सी क्यों, क्योंकि आपका ओ ए बी तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हैं, ऑल ऑफ देम आर कोलिनियर, तो इसलिए हमने ए सी अपॉन बी सी ले लिया। अब आपको याद हो तो हमें यहाँ पर ए एफ अपॉन बी डी है, यहाँ ए एफ अपॉन बी ई है, बट बी डी और बी ई में क्या रिलेशन है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ओ बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो बी डी एंड बी ई आर इक्वल, बी डी बी ई के इक्वल है, इसका मतलब इसकी जगह पे भी मैं बी डी लिख सकती हूँ, तो ये ए एफ अपॉन बी डी हो गया, ये भी ए एफ अपॉन बी डी है। अब दोनों का एक साइड इक्वल हो गया तो दूसरे साइड भी इक्वल होंगे, तो ए एफ अपॉन बी डी ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है, या ए एफ अपॉन बी डी ओ ए अपॉन ओ बी के इक्वल है। तो इससे आपकी कंडीशन क्या आ गई कि ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये कंडीशन इससे आ गई। पर अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, है ना, कि हमारा क्या आ रहा है, ए सी और बी सी, और हमें आंसर लाना है ओ ए ओ बी ओ सी की टर्म में। तब आप ये देखो डायग्राम में कि आप ओ ओ सी को क्या लिख सकते हो। हाँ, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी, ए सी कैन बी रिटन एज ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी में से ओ ए माइनस कर दें तो ए सी बचेगा, और हमें यहाँ बी सी चाहिए तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ सी, तो हम बी सी को रिप्लेस करेंगे ओ बी माइनस ओ सी से। तो हमारी ये जो कंडीशन आई थी ओ ए अपॉन ओ बी तो सेम रहेगा, उधर ए सी की जगह हम लिखेंगे
OC माइनस OA, तो हमारा ये हो गया OA अपॉन OB, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू, में AC की जगह हमने लिखा OC माइनस OA, डिनोमिनेटर में BC की जगह OB माइनस OC, ये लिख लेंगे अपन। अब क्या करें, अब हम इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें और जो हो रहा है वो सॉल्व कर दो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो OA इंटू OB, OA मल्टीप्लाइड बाय OB माइनस OA मल्टीप्लाइड बाय OC होगा इक्वल टू, मैं इन दोनों को भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो क्या आ जाएगा, OB इंटू OC माइनस OA इंटू OB, ये आ गया। अब आप देखें कि यहाँ भी OA इंटू OB है और यहाँ भी OA इंटू OB है, पर कैंसल नहीं होंगे, साइन अपोजिट है, तो हम इसको उधर ले जाएं, हाँ इन दोनों की पोजीशन बदल दें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो ये क्या हुआ, OA इंटू OB प्लस OA इंटू OB, मीन्स यू कैन राइट इट एज टू टाइम्स OA मल्टीप्लाइड बाय OB, ये उधर गया प्लस हो गया तो OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC, ये आया टू टाइम्स OA इंटू OB इक्वल टू OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC। अब हम क्या करें, हम इसको सिंपली ये जो तीन टर्म आ गई है आपकी, इसको इसके इक्वल में लिख देती हूँ, OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC। अब हम सिंपली क्या करें, हम इसको डिवाइड कर दें, किससे, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें OA OB OC से, हाँ सबको हमने सेपरेटली डिवाइड कर दिया OA OB OC से, तो अब आप देख लो आपका आंसर आ गया है, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ OA OA कैंसिल, OB OB कैंसिल, क्या बचा OC, तो ऊपर 2, तो अपॉन में क्या आ गया 2 अपॉन OC, यहाँ OB OC कैंसिल, बचा OA, तो 1 अपॉन OA, यहाँ OA OC कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन OB, तो 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB इक्वल टू 2 अपॉन OC, दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव दिस। हाँ तो अब आपको क्या करना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी यदि हमको ट्राइंगल में बोला कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल और ये लाइन यहाँ पर मीट कर रही है, मतलब ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल, तो ये OA OA OC OB तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है, 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB इक्वल टू 2 अपॉन OC, ये रिलेशन यू शुड मस्ट रिमेम्बर, क्योंकि इसमें अब यदि आपको बोल दिया कि भैया OA तो 3 है, हाँ और OB आपको दे दिया, या OC दे दिया मान लो 5, और पूछ लिया फाइंड OB, हाँ तो अब आपको एकदम देख के समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें, पर आपको यदि ये रिलेशन याद है तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे कि 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन OB इक्वल टू 2 अपॉन 5 होगा, हाँ तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन OB इक्वल टू 2 अपॉन 5 माइनस 1/3, LCM क्या आ गया 15, हाँ ये हो गया 5 3 15, ये 3 2 6 माइनस 5, तो 1/15 आ गया, 1 अपॉन OB की वैल्यू 1/15 के इक्वल है, तो OB की वैल्यू भी क्या आ गई 15, यूनिट यदि सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, है ना। तो ये कंसेप्ट पे कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से किया जा सकता है, OA OB OC को आप XYZ की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, कि यदि ये X है, ये Y है और ये Z है, तो आपका 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z इक्वल टू 2 अपॉन Y, ये बीच वाले के लिए, सेंटर वाले के लिए 2 आता है न्यूमरेटर में, 2 अपॉन Y, ये रिलेशन होल्ड होगा। तो बेटा ये दोनों रिलेशन याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का 1 मार्क में आ सकता है, क्योंकि इसका आंसर निकलता बी उसे ही है, ट्राइंगल सिमिलर करके BPST दोनों मिक्स होके BPST बोल दिया मैंने। इन फिगर PQ पैरेलल है BA के, PQ इज पैरेलल टू BA एंड PR इज पैरेलल टू CA, ठीक, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, और हमें बोल रहा है PD की वैल्यू 12 है, PD ये पूरी साइड है,
इसकी वैल्यू 12 है और हमसे वैल्यू पूछी है बी डी इंटू सी डी की। हमको वैल्यू निकालनी है सी डी और बी डी के प्रोडक्ट की, बी डी इंटू सी डी निकालना है। सिंपली एक आंसर याद रखो, इसका आंसर आता है पी डी स्क्वायर। यदि पी डी की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। बी डी इंटू सी डी इक्वल टू पी डी स्क्वायर कैसे आएगा? यहाँ भी हम देखें कि आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, सिमिलैरिटी। यहाँ पर हमने ये वाली लाइन ज्वाइन करी तो आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, ट्राइंगल डी सी क्यू एंड ट्राइंगल डी पी आर, ट्राइंगल डी सी क्यू एंड ट्राइंगल डी पी आर, डी सी क्यू एंड डी पी आर, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। तो क्या आएगा आपका, डी सी अपॉन डी पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी आर, यह आएगा डी सी अपॉन सी पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू आर, ये किससे आ गया, बाय बी पी टी। लाइन्स पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो डी सी अपॉन सी पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू आर, ये कंडीशन आई। फिर हमने देखा हमारे पास एक और लाइन्स पैरेलल है, कौन सी, ये वाली इनके संग कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपका पैरेलल लाइन यहाँ है तो क्या आएगा डी पी अपॉन बी पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू आर, ये कंडीशन आएगी डी पी अपॉन पी बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू आर, ये भी डी क्यू अपॉन क्यू आर के इक्वल है, ये भी डी क्यू अपॉन क्यू आर के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो आपकी कंडीशन क्या आ गई, डी पी अपॉन बी पी इक्वल टू डी सी अपॉन सी पी, हाँ डी पी सी पी बी पी डी सी में आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है बी डी मल्टीप्लाइड बाय सी डी की। तो यहाँ पर सी डी तो है हमारे पास, बी डी नहीं है, तो हम इसको बी पी को क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस पी डी, बी पी कैन बी रिप्लेस बाय बी डी माइनस पी डी। और क्या है वहाँ पर, डी पी तो डी पी ही है, पी डी की वैल्यू है हमारे पास, सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी कैन बी रिप्लेस बाय पी डी माइनस सी डी, पी डी माइनस सी डी, पी डी में से सी डी माइनस कर दें तो सी पी आ जाएगा, है ना। तो हमने ये यहाँ पर रिप्लेस करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी जाएगा, तो डी पी, डी पी कैन बी रिटन एज पी डी ऑल्सो, डी पी इंटू सी पी, सी पी इज पी डी, पी डी कैन बी रिटन एज डी पी, डी पी माइनस सी डी इक्वल टू बी पी इज बी डी, तो ये हुआ बी डी माइनस पी डी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, ये कंडीशन आ गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर डालें आपस में तो हमें क्या दिख रहा है, डी पी इंटू डी पी तो डी पी स्क्वायर हो गया, माइनस ये हुआ डी पी मल्टीप्लाइड बाय सी डी, और इधर है बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी माइनस पी डी इंटू सी डी, पर पी डी को मैंने इधर इधर पी डी लिखा है, इधर डी पी लिखा है, सेम लिखना आप इसको डी पी ही लिखो, तो ये डी पी लिखोगे तो आपको एकदम दिख जाएगा ये डी पी इंटू डी सी है। इधर भी माइनस में डी पी इंटू सी डी और डी पी इंटू डी सी इज वन एंड सेम थिंग, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो डी पी स्क्वायर की वैल्यू बी डी इंटू डी सी के इक्वल आ गई। डी पी की वैल्यू हमें गिवन है डी पी इज पी डी, इसकी वैल्यू 12 है तो 12 स्क्वायर मतलब 144 इक्वल टू बी डी इंटू सी डी या बी डी इंटू डी सी। देखो सेम सेम लिखोगे जैसा क्वेश्चन में दिया है तो कन्फ्यूज़न अराइज नहीं होगा, बी डी सी डी है पी डी, अब हमने उसको डी पी लिख दिया तो थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूज़न होने लगता है, मतलब मुझे तो पता चल जाता है पर कई लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि डी पी डी सी और पी डी सी डी सेम ही बात है ना, तो वो सेम ही लिखो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आपका रिलेशन आप याद रखो कि डी पी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी के इक्वल आएगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये जो आपकी साइड सी ये आपकी डी पी है, डी पी स्क्वायर किसके इक्वल है, पी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, सॉरी बी डी और सी डी, बी डी और सी डी का प्रोडक्ट डी पी स्क्वायर के इक्वल है, ये रिलेशन याद रखना। जैसे इसका जनरली इसमें 12 ही देते हैं, वैल्यू 13 दे दे तो 13 का स्क्वायर कर दो 169, 15 हो तो 225, जो भी है पी डी की वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट
उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमारी एक बड़ी अलग सी कंडीशन आ जाती है ना, कि 1 upon x plus 1 y plus 1 upon z 1 upon o a plus 1 upon o b equal to 2 upon o c, यहाँ पर पी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी टू सी डी। तो इनके रिजल्ट जो हैं वो बड़े टिपिकल रिजल्ट्स हैं, तो उन रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनके लिए आपको क्वेश्चन और रिजल्ट क्या आता है वो याद रखना है। प्रूफ कैसे हुआ उसकी आपको ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू के लिए, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमने इसको किया हुआ है कि हमारी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, एनसीईआरटी में हमको गिवन था। अब यहाँ पे उन्होंने ऐड क्या कर दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एल, ये कैलकुलेट करना है। यदि बी ई की वैल्यू 4 है, वेयर इज बी ई, इसकी वैल्यू 4 है एंड ई सी और इसकी वैल्यू 2 है, हाँ, और हमको बोला है कि बी ई निकालो, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एल, सी एल ये कैलकुलेट करो, दिस इज़ योर एक्स। तो आपको क्या पता है इस क्वेश्चन में हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करते थे, एक बार रेड रेड लाइन वाले लेंगे तो ट्राइंगल इसमें मतलब बीपीटी लगा देते, तो क्या आता, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन सी एल, ये कंडीशन आती है। फिर हम ये ब्लू वाली लाइंस पे फोकस करें तो भी बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी आता है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इससे हमारी कंडीशन क्या आ जाती है, बी सी अपॉन सी एल किसके इक्वल हो गया, बी ई अपॉन ई सी के। ये भी आपको एंड रिजल्ट से याद रखने बेटा, कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी एल, ये रिलेशन याद है तो आप फटाफट वैल्यू निकाल सकते हो। बी सी क्या हो गया, बी ई प्लस ई सी दैट इज़ 4 plus 2, तो इसकी वैल्यू 6 है। सी एल हमको कैलकुलेट करना है, बी ई आपका 4 है और ई सी आपका 2 है, तो बस सॉल्व कर दो। तो ये हो गया कैंसल 2, ये 2 से कैंसल 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, तो सी एल आ गया आपका 3 centimeter, है ना। तो ये रिजल्ट्स जो हैं क्वेश्चंस के वो याद रखो, रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ करना आना चाहिए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसमें टाइम लगता है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको याद आ जाए, आप रिकॉल कर लो कि क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, यहाँ सी है, ये बी है, ये एक्स है और ये ए है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल भी 50 डिग्री है और ये एंगल हमें क्या नज़र आ रहा है, कॉमन। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल, एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लाइन क्या हो गई पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, पर हमें रिलेशन इन सब में चाहिए, तो हमें बीपीटी लगाएंगे या सीपीएसटी, सीपीएसटी, ट्राइंगल शुड बी मेड सिमिलर फर्स्ट। अब वो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये एंगल कॉमन है दोनों, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन, ये दोनों एंगल इक्वल, तो डबल ए से आपका ट्राइंगल पी के, पी के एन सिमिलर है ट्राइंगल एल के एम के, और सी पी एस टी से के एन अपॉन के एम किसके इक्वल होगा, पी एन अपॉन एल एम के बाय सी पी एस टी। के एन की वैल्यू क्या है, के एन इज सी, के एन इज सी और के एम क्या है, ये इतना बी है इतना सी है, तो ये बी प्लस सी, तो क्या हो गया सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू पी एन इज एक्स और एल एम इज ए इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो हमें बोला है एक्स को निकालो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो सिंपली ये ए इधर चला गया, तो एक्स विल बी रिटर्न एज ए सी अपॉन बी प्लस सी, बस इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू आ गई ए सी, ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी, डायरेक्टली वैल्यू दे देते यदि हमें कि ये 2, 3, 4, तो हम वो सब सी करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 5 डी ई पैरेलल है बी सी के और बी डी 2 है, बी डी है ये 2 है एंड डी ई अपॉन बी सी, डी ई और बी सी का रेशियो गिवन है 2/3, तो हमसे ए डी पूछा है, तो ये एक्स होगा। अब देखो इनका रेशियो 2:3 का है, तो
तो ये रेशियो भी 2:3 का होगा क्या? नहीं, ये ट्राइंगल की साइड है, छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल, और ये छोटे ट्राइंगल की साइड और बड़े ट्राइंगल की लोगे तो x प्लस टू आएगा, x नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ आपको डायरेक्टली समझना चाहिए, यू कैन राइट इट इज x अपॉन x प्लस टू इक्वल टू 2/3। ट्राइंगल सिमिलर होंगे, लाइन पैरेलल है, डबल ऐसे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये कॉमन, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डबल ए या ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली ट्राइंगल की साइड अपॉन ये वाली साइड, इट इज़ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड विच इज़ 2/3। अब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3x, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 2x प्लस 4, तो 3x माइनस 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। फाइंड AD पूछा था, अब हमसे पूछ लिया एरिया ऑफ ADE अपॉन ABC, ADE और ABC के एरिया का रेशो। तो एरिया थ्योरम, साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल साइड का रेशो 2/3 है, तो एरिया का रेशो क्या हो गया 4:9, स्क्वायर ऑफ 2/3 दैट इज 4:9 डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर CE एंड DE आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, CE एंड DE इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की विथ सेंटर O, सेंटर O है मतलब ये डायमीटर हो गई, ये डायमीटर हो गई, तो क्या हो गया एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, और ये डायमीटर है तो ये साइड क्या हो गई CD की वैल्यू हो गई 2 times रेडियस, और ये एंगल 90 है, और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, यदि हम इस साइड को एक्स माने तो ये होगी √2 × x इक्वल टू क्या होगा 2 times रेडियस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई √2 × r, √2 से 2 कैंसल, तो एक्स की वैल्यू हो गई √2 × r, ये वाली साइड आपकी आई √2 r। ठीक, अब हमें बोला इफ एंगल AOB इज 90, हमको बोल रहा है कि एंगल AOB में ये वाला एंगल भी 90 है, और हमको बोल रहा है एरिया ऑफ CED अपॉन एरिया ऑफ AOB कैलकुलेट करो। तो आपको क्या पता है कि पहले तो ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए, तो यदि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल थी और ये दोनों तो रेडियस है, तो इसका रेशो r अपॉन x विल बी इक्वल, और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो SAS से ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसकी साइड √2 r है और इस ट्राइंगल की साइड तो r है, तो इनका एरिया का रेशो क्या हुआ √2 r/r का होल स्क्वायर, आर आर कैंसल, √2 का स्क्वायर 2, तो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो क्या आएगा 2:1, इसका एरिया डबल, इसका एरिया उसका हाफ, ऊपर ये लिखते छोटा वाला ऊपर होता है AOB, तो हम उसको 1:2 आता आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, हाँ, तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE एंड ABC सिमिलर है, तो ये एंगल कॉमन और ये 90 नहीं, अच्छा ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ABC, तो ये भी 90 गिवन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये एक एंगल नहीं हो जाएगा, 90 की ज़रूरत नहीं, सॉरी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एक एंगल ए कॉमन है, ट्राइंगल ADE में एंगल ए आ रहा है और ट्राइंगल ABC में भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और आपका एंगल ADE इक्वल टू एंगल बी गिवन है, तो डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर, फर्स्ट पार्ट, तो ट्राइंगल सिमिलर करने को नहीं बोलेगा आपको, सीधे कंडीशन बोलेगा, तो कंडीशन करने के लिए आपको पता है कि ट्राइंगल शुड बी सिमिलर। अब क्या बोला, AD 7.6 है, AE ये 7.2 है एंड BE ये वाली साइड 4.2 है एंड BC 8.4 है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो DE की। तो यदि हमारे ट्राइंगल ADE एंड ABC सिमिलर हैं तो हमें CPSC की कंडीशन लगानी है सिंपली, तो क्या आएगा DE अपॉन BC किसके इक्वल होगा AD अपॉन AB, दिस इज इक्वल टू AD
अपॉन ए बी बाई सी पी एस टी, डी ई इज एक्स, बी सी, बी सी हमको गिवन है 8.4, ए डी, ए डी इज 7.6 एंड ए बी, ए बी इन दोनों का सम, तो 7.2 प्लस 4.2 क्या हो गया 11.4, तो दिस डिवाइडेड बाय 11.4, तो एक्स की वैल्यू ही ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके सॉल्व कर लें तो एक्स क्या हुआ 7.6 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय 11.4। डेसिमल हटाएंगे नीचे से दो, ऊपर से एक, तो ऊपर एक सॉरी डिनोमिनेटर में एक 10 आएगा। ठीक, अब हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 का मल्टीपल है और 2 का भी, मतलब ये 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो मैं इन दोनों को 6 से कैंसिल कर दूँ, तो 6 × 6 = 6, 9 = 54 और ये हो गया 6 × 6 = 24। अब क्या कैंसिल हो रहा है, ये 19 के टेबल में आता है, 19 × 4 = 76 बच्चा, 14 × 4 = 56/10 दैट इज 5.6 यूनिट सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या पूछा था, डी ई आया 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास का टाइम ओवर, कल कंटिन्यू करेंगे आगे, और जो भी डाउट्स है आपके पास, जो भी आपने सैम्पल पेपर्स वगैरह की बुक ली है उसमें आपको कहीं भी, बहुत सारे बच्चों ने लिए मुझसे पूछा था, तो कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आपको डाउट्स है, व्हाट्सएप करो। ठीक है, थैंक यू।